राष्ट्रवाद की जीत होगी और इसलिए हम मोदी जी को वोट करेंगे। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, मोदी जी के राज में मिला। भगवान राम को स्थापित कराया, राम मंदिर बना, मोदी जी के राज में बना। आज अगर बात करें तो हमारे क्षेत्र के अंदर केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, मनोज तिवारी जी लेकर आए, इतना विकास हुआ है कि देखने की चीज़ है। इसमें हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं कि मोदी जी ने कितना विकास किया है। और महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आज महिलाएं सर उठा के जी रही हैं, सम्मान के साथ जी रही हैं, ये सब मोदी जी की देन है। देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 25 मई को यानी अगले 2 दिन बाद 7 सीट पर चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के इस वक्त हम मौजूद हैं मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार वाले क्षेत्र में। जनता क्या कुछ कहती है, किस काम से खुश है और इस बार किन मुद्दों को आधार पर रखते हुए इस बार वोटिंग करेगी? सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, 25 तारीख को वोटिंग डालने जाएंगे तो क्या लग रहा है कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोटिंग करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवाद। अगर मेरा राष्ट्र मजबूत है ना तो पूरा देश मजबूत है। हर नागरिक खुशहाल है, हर नागरिक अपने आप को सेफ महसूस करेगा। तो राष्ट्र अगर हमारा मजबूत है तो हर एक आवाम का व्यक्ति अपने आप में मजबूत है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, राष्ट्रवाद की जीत होगी और इसलिए हम मोदी जी को वोट करेंगे। कारण है क्योंकि मोदी जी ने, देखिए जब से मोदी जी आए कहीं भी आपने सुना नहीं होगा कि कहीं पे आतंकवादी हमला हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मोदी जी के राज में हुई। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, मोदी जी के राज में मिला। बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस फ्री मिली, गरीबों को घर मिले और सबसे बड़ी बात भगवान राम को स्थापित कराया, राम मंदिर बना, मोदी जी के राज में बना। और इसीलिए मोदी जी को हम फिर से चुनने जा रहे हैं क्योंकि एक सशक्त नेता का होना बहुत आवश्यक है। जो 65 साल में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया देश का, 10 साल में मोदी जी ने उसको सुधार दिया। आज विश्व गुरु की उपाधि दी जा रही है और विश्व के सर्वमान्य नेता हैं मोदी जी। अच्छा, आप मोदी जी के नाम पे वोट डालना चाहते हो या फिर मनोज तिवारी जी के? बिल्कुल, मनोज तिवारी जी के नाम पर भी वोट डालना चाहता हूँ। आप जिस कॉलोनी में खड़े हैं यहाँ पर 16 लाख रुपए का बच्चों के लिए बैडमिंटन ग्राउंड मनोज तिवारी जी ने हमारे आग्रह पर दिया है। हमारे पड़ोस में डिस्ट्रिक्ट पार्क है, वहाँ पर सबसे पहला जिम अगर लगा तो मनोज तिवारी जी ने लगवाया। नन नगरी जैसे सिलम एरिया में मनोज तिवारी जी ने जिम लगवाया। आज अगर बात करें तो हमारे क्षेत्र के अंदर केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, मनोज तिवारी जी लेकर आए। आज अगर हम बात करें तो शास्त्री पार्क ऐसे एरिया से निकलते थे, सिलमपुर से हम जाम में फंस जाया करते थे। आज सटा सटा आप ISBT की तरफ जाते हैं, वो सारा जितना भी आप देख रहे हैं फ्लाईओवर वगैरह जाम और जितनी सारी व्यवस्था हुई है वो सब मनोज तिवारी जी के प्रयास से हुई। सिग्नेचर ब्रिज अगर शुरू हुआ तो मनोज तिवारी जी का अथक प्रयास रहा, इसलिए सिग्नेचर ब्रिज बना। आज आप वजीराबाद रोड पर जाइए तो जाम की व्यवस्था, आज वहाँ पर जाम नहीं है, खुला और बिल्कुल आराम से आप सिग्नेचर ब्रिज तक पहुँच जाते हैं वजीराबाद रोड पर। ठीक है, तो क्या लगता है मनोज तिवारी वर्सेस ये कन्हैया कुमार की यहाँ पे फाइट है, कौन है यहाँ पे? अभी तो फिलहाल के तौर पर मनोज तिवारी जी ही आगे हैं और आगे रहेंगे ही, क्योंकि अगर हम बात करें BJP गवर्नमेंट की तो आपने खुद ही देखा होगा कि 2014 के पहले अगर अपने डिफेंस सेक्टर की बात करें हम, या फिर अगर फॉरेन कंट्री में जो हमारी गुडविल थी तब और अब में कितना बदलाव आया है कि पहले जब यहाँ से कोई हमारे बड़े नेता फॉरेन जाते थे तो उन्हें उतनी पूछ नहीं होती थी, बट आज की सिचुएशन ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से वो कहीं भी जाते हैं एक लाइमलाइट अलग होती है। और आप भी जानते हैं कि भाई यहाँ से तो मनोज तिवारी 200% क्लियर है उनका सीट, वो निकल जाएंगे। ठीक है, आप महिलाएं हैं, क्या कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि जो लड़ाई है बिहार वर्सेस बिहार की है? लड़ाई तो जीत तो मोदी जी की ही है, क्योंकि इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि मोदी जी ने इतने सालों में क्या किया है। इतना विकास हुआ है कि देखने की चीज़ है। इसमें हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं कि मोदी जी ने कितना विकास किया है। आज से कुछ साल पहले मोदी जी के आने से कि पहले की स्थिति आप देखिए हमारे देश की क्या हालत थी, और आज की स्थिति देखिए, आज हमारे देश की जो वैल्यू है इंडिया से बाहर के कंट्रीज़ में हमारी इंडिया की जो वैल्यू है वो मोदी जी की वजह से है। मोदी जी सिद्ध हैं, संत हैं, मैं उन्हें तो ये कहूँगी कि सिद्ध हैं, संत हैं। और जहाँ तक मोदी जी की बात है तो मोदी जी, मनोज तिवारी जी या मोदी जी कह लीजिए, वो एक धरातल के नेता हैं
और उन्होंने भारत उनके शासनकाल में जितना विकास हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ था। आज हमारे भारतवर्ष को विश्वगुरु कहा जाने लगा है। विश्वगुरु तो विश्वगुरु की उपाधि छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। कोई सिद्ध कोई संत ही ये उपाधि दिला सकता है। 500 वर्षों से जिस चीज़ के लिए हम लोग तरस रहे थे, पिछली हमारी पीढ़ियां जो राम मंदिर के लिए सपना देखते देखते चली गई, वो सपना हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपनी आँखों से राम मंदिर का निर्माण देखा है। हमारी इस पीढ़ी में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये मोदी जी के शासनकाल में ही संभव था। अगर मोदी जी के अतिरिक्त तो कोई इसे संभव कर सकता था तो आज तक अभी किसी ने किया नहीं। तो राम मंदिर की सौगात जो मोदी जी ने दी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आज महिलाएं सर उठा के जी रही हैं, सम्मान के साथ जी रही हैं, ये सब मोदी जी की देन है। दो बार सांसद रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में क्या कुछ काम है जो आपको अच्छे लगे? बहुत ज़्यादा सब जो काम हुए हैं हमारे, जैसे दिलसाद कॉलोनी हो गई, दिलसाद गार्डन हो गया, सीमापुरी क्षेत्र हो, जितना काम जो हुआ है वो हमारे मनोज तिवारी की खातिर हुआ है। एक तरफ पूरा बीजेपी है और एक तरफ इंडी गठबंधन है, तो कन्हैया कुमार जो इंडी गठबंधन से है और बीजेपी से मनोज तिवारी हैं, क्या लग रहा है क्या इंडी गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है, मनोज तिवारी या मोदी जी समझ लो, इनकी ही जीत होगी, क्योंकि टक्कर देने की तो बात हो ही नहीं सकती। कहाँ मोदी जी, कहाँ दूसरे गठबंधन, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम हो गया। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मोदी जी जो काला धन निकाल के लाए हैं उससे बल्ले बल्ले है सारे देश की, तो इसलिए जीतेगा तो मोदी हर हाल में। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? आपकी सीट है, दो बार सांसद रह चुके हैं, मनोज तिवारी द्वारा क्या कुछ ऐसे काम करवाए गए हैं, क्या क्यों उनको फिर से लिखाया जाए? मोदी जी जो हैं बीजेपी और क्या कहते हैं देश का, बोलना चाहूँगी कि जो बीजेपी है उसके पिलर हैं हमारे मनोज तिवारी भैया जी। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे पहले तो जो नरसेवा नारायण सेवा होती है वो लोगों की भी हेल्प करते हैं और देश के लिए भी बहुत काम करते हैं। उन्होंने हमारे यहाँ पे भी हमारे क्यू पॉकेट में क्या कहते हैं हाईलाइट मास्क लाइट लगवाई है, जो एक बार बोलने पे उन्होंने काम करवा दिया। हमारे बहुत से उन्होंने काम कराए हैं और क्या कहते हैं हाईवेज बनवा रहे हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। मोदी जी ने उन्हें तीसरी बार मौका दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, मोदी जी भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है और आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे। आने वाले जो हमारा उन्होंने श्री राम मंदिर बनाया, आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाया श्री राम मंदिर, किसी सरकार ने हिंदुत्व को इतना नहीं बढ़ाया जितना मोदी सरकार ने बढ़ाया। तो मैं मेरी सबसे यही निवेदन है, मोदी सरकार को वोट दें, बीजेपी को वोट दें। धन्यवाद। क्या लग रहा है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये इंडी गठबंधन का ये लड़ाई है, क्या लग रहा है इस सीट पे क्या हवा है और कौन आगे चल रहा है? वैसे तो देखो मनोज तिवारी जी हैं हमारे, तो वो अच्छी काम कर रहे हैं यहाँ पर अभी, और जब से आए हैं जब से अच्छा ही काम हो रहा है। सब इतना भरोसा करते हैं क्योंकि दो बार सांसद रह चुके हैं, क्या कुछ ऐसा काम करवाए हैं जो आपको आप उन कामों से अट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं, उन्हीं कामों से अट्रैक्ट होके तो हम आगे वोट देने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर अट्रैक्ट नहीं होते तो हम वोट नहीं देते। तो इसीलिए हम जो कंपेन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं भाई कि मोदी जी आएँ और इस भारत को श्रेष्ठ बनाएं। ठीक है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं जब आप 25 तारीख को इलेक्शन में वोट देने जाएंगे? मोदी जी है तो मुमकिन है। क्षेत्र में कुछ ऐसे कुछ काम रह गए हो जो चाहते हैं कि मनोज तिवारी फिर से आए? वो काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मिलनसार आदमी हैं, और हमारा वोट बीजेपी का वोट है। तो ये वो तमाम उत्तर पूर्वी जिले की जनता है जो इस बात चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं अभी मनोज तिवारी जी, वो दो बार पहले सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ काम करवाया है उसको लेकर ये जनता है काफ़ी खुश है और चाहती है कि एक बार फिर से मनोज तिवारी को यहाँ से सांसद बनवा कर जो कुछ कार्य जो कुछ काम रह चुके हैं उसको फिर से जोरों शोरों से करवा सके। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तभी ये तस्वीरें साफ होगी कि आखिरकार स्टेट से कौन जीता है। कैमरा पर्सन दीवांश नेगी के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।